असलम गाइस, मैं हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल HMC Electronics। तो आज के स्टूडियो में हम आपको हायर के DC इन्वर्टर, AC के जो आउटडोर के PC बोर्ड के कनेक्शन है वो तमाम करना आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो इसके PC बोर्ड के कनेक्शन हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो कवर हैं सामने वाले, जो इसका जो बॉडी है इसका जो कवर है उसको हम रिमूव कर लेंगे। इसका जो PC बोर्ड है वो हम उतार के ले गए थे, इसमें E7 का इशू था तो वो हमने रिपेयर करवा लिया है। तो अभी जो हमारा E7 का इशू है वो बिल्कुल सही हो गया है। तो इसमें जो ये हमारा वाइट जैक है, ये हमारा जो फ़ैन मोटर है उसका जैक है। उसके बाद हमारे पास ये जो बाकी जैक हैं, ये जो येलो और रेड और ये जो वाइट जैक हैं, हमारे पास जो छोटे छोटे जैक हैं, ये हमारे जो हैं वो सेंसर के जैक हैं। हमारा जो एम्बियंस सेंसर है और कंडेंसर सेंसर है और दूसरा जो हमारे सेंसर हैं उनके जैक हैं। और ये हमारा जो ब्लू कलर का है, ये हमारा 4-way वाल्व का जैक है। उसके बाद जो हमारी ये 3 वायर्स हैं, ये हमारी जो है वो कंप्रेसर की वायर हैं जो हमारी जो PC बोर्ड है उसके मॉड्यूल के साथ लगेंगे। इसमें ब्लैक, रेड और जो वाइट वायर होती है। तो इसमें जो डब्बी जो है कंप्रेसर के ऊपर लगी होती है उसको हम ओपन करेंगे। तो ये जो हमारे पास ये 2 वायर्स हैं, ये हमारी जो रिएक्टर लगा होता है जो ट्रांसफार्मर की तरह का होता है, ये उसके ऊपर जाके लगेंगे। तो इधर हमारा जो है वो सस्पेंशन वाल जो होता है उसका जैक है, और ये जो येलो जैक है और ये जो रेड और वाइट जो जैक्स हैं ये हमारे जो सेंसर्स हैं उनके जैक हैं। उसके बाद हमारे 4-way वाल का जैक है जिधर ये 2 हैं। तो उसके बाद ये जो पीछे जैक है हमारा इधर ये जो हमारा 4-way वाल का लगेगा, इधर सस्पेंशन वाल का, और ये जो ये वाइट जैक है जो जिसके अंदर पिन्स हैं 5, तो इधर हमारा जो है वो फ़ैन मोटर की वायर फैन मोटर का जैक लगेगा। तो इसका जो पीछे वाला कवर है ये भी हम ओपन कर लेंगे। तो इधर भी हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के ऊपर हमारी जो है वो कंप्रेसर की वायर्स लगेंगी। तो इधर जो हमारी 3 जो थिम्बल्स बनी हुई हैं UV और W, इधर हमारी जो है वो कंप्रेसर की वायर लगेंगी। तो कंप्रेसर की वायर जो है वो डब्बी के जब हम रिमूव करेंगे तो उधर जो हमारी यू पे वायर होगी वही हमने जो है वो इधर मॉड्यूल पे यू पे वायर लगानी है, और जौन सी वायर हमारी वी पे होगी वही वायर जो है हमने इधर वी पे लगा लेनी है। मॉड्यूल के ऊपर भी UVW लिखा हुआ है और कंप्रेसर के ऊपर भी UVW लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हमने वायरें मैच करनी है और लगा लेनी है। तो अभी हम जो है वो PC बोर्ड को ऊपर रख लेंगे और इसके जो तमाम जैक्स हैं वो लगाना शुरू कर देंगे। तो अभी जो है PC बोर्ड की जो फिटिंग है वो हम कर लेंगे। पहले इसको जो है अभी सिर्फ जस्ट 1 स्क्रू लगेगा। तो उसके बाद जो इसका जो बाकी स्क्रू होते हैं वो इसकी बॉडी के साथ जो है वो अटैच होते हैं, तो फिक्स ये जो है ये बाद में होता है। तो अभी जो है हमने 4-way वाल का जैक लगा दिया है, हमारा जो सस्पेंशन वाल है उसके भी जैक लगा दिए, और सेंसर की जो जैक्स हैं वो भी हमने लगा दिए हैं। तो उसके बाद हम जो है वो इसमें जो कंप्रेसर के ऊपर वाली डब्बी है वो भी हम वापस लगा लेंगे। हमारा सस्पेंशन वाल है जो इधर लगा हुआ है, सस्पेंशन वाल के ऊपर भी हम जो है वो डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अभी हमारे जो फ़ैन मोटर है और सेंसर्स हैं इनके जैक जो हैं वो हमने लगा लिए हैं। तो अभी ये हमारे पास जो रिएक्टर का है, रिएक्टर की वायर भी जो है वो हमने लगा ली है। तो इधर हमारी जो है वो इंडोर टू आउटडोर वायर लगेंगी, तो वो भी हम लगा के बॉडी इसकी हमने जो है वो बंद कर दी है, तो भी हमने सियान कर दिया है। तो देख सकते हैं आउटडोर जो है बिल्कुल